So I arrived this morning in Lucknow. Okay. And it's a wonderful experience, full of surprises. Okay. In just one morning, we experienced so many things. So it's very nice. I love India. Hello friends, once again, welcome back to my YouTube channel Travel Yogi. मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं हूँ उत्तर प्रदेश की कैपिटल और नवाबों के शहर लखनऊ में. तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं चारबाग रेलवे स्टेशन, जहाँ से आपको हर एक शहर से यहाँ के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी. अगर आप लखनऊ घूमना चाहते हैं और आप मेरा व्लॉग क्यों देखें, इसके लिए मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं लखनऊ में 3 सालों से रह रहा हूँ और यहाँ के स्वाद, यहाँ के लोग और यहाँ की गलियों के बारे में अच्छे से जानता हूँ. सारी चीज़ें खाने की, खिलाने की, हर एक चीज़ आपको अपने व्लॉग में दिखाऊंगा और पूरी आशा करूंगा कि आपको मेरा व्लॉग ये अच्छा लगे. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. तो आपको मिलते हैं लखनऊ में. हेलो, तो अभी हम लोग हैं शर्मा जी की चाय पे. आज आया सन्नी भाई आया आज गाजियाबाद से. तो हम लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं आज चाय से. भी बजे सुबह के 9 और अभी हम यहाँ पे चाय पीने आए हैं. चाय के साथ साथ बद मक्खन, समोसा और एक चाय. एक बद मक्खन, एक समोसा, 2 चाय मिली हैं 80 रुपये की. बहुत ही ठीक प्राइस है, बट यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है. अगर आप लखनऊ में आ रहे हो तो आप अपने दिन की शुरुआत चाय के साथ करो, बहुत टेस्टी चाय है. तो आपको मिलते हैं फिर अगली डेस्टिनेशन. हेलो गाइस, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है घंटाघर. ये आपको जब आप बड़े इमामबाड़ा से थोड़ा आगे की, छोटे इमामबाड़ा थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा घंटाघर. और जो आप देख सकते हैं घंटाघर कितनी प्यारी जगह है. But there's nothing I can do. I can never get to you. So I'm looking for a miracle. अगर आप लखनऊ में आते हैं और आपको कुछ खाना है, आप गर्मी के टाइम में आप खाना चाहते हैं, तो आप प्रकाश कुल्फी का मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि प्रकाश कुल्फी लखनऊ की सबसे ज़्यादा फेमस कुल्फी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है. तो आप एक बार आएँ तो ज़रूर स्वाद चखें. बहुत टेस्टी है, गर्मी बहुत लग रही है, उसके बावजूद अगर आप खा लोगे ना गर्मी के बाद तो आपको मज़ा ही आ जाएगा. तो आप ज़रूर आएँ और खाएँ. जैसे कि आप देख पा रहे हैं लखनऊ में बड़ा बुरा हाल है, हालत बहुत ख़राब हो चुकी है. टाइम गर्मी इतनी है, इतनी गर्मी है यहाँ पे, क्या ही बताऊँ. थोड़ा पानी पी लें फिर बात करते हैं. सिस्टम पार्ट देंगे जब आप बगी हम लोग आए जूस पीने, सन्नी भाई अपना चलाने लगे. So I arrived this morning in Lucknow. Okay. And it's a wonderful experience, full of surprises. Okay. In just one morning, we experienced so many things. So it's very nice. I love India, and I'm looking forward to see all the surprises that will bring Lucknow to me. Thank you. So, where are you from? France. 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 Okay. Are you? What are you? Same France. Yes. चलिए. Nice look, mast. Nice look and thank you. वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पुल फ्रांस में. Have a good day. Have a good day. Thank you. तो अभी मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हैं इमामबाड़ा. अभी मैं इमामबाड़े के अंदर जाने वाला हूँ. ये है बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा. आप रूमी गेट क्रॉस करोगे तो उसके बाद आएगा छोटा इमामबाड़ा. तो अभी आप मेरे साथ देखिए अंदर की तरफ बड़ा इमामबाड़ा. तो अभी मैं आ चुका हूँ इमामबाड़े के पीछे की तरफ. आप देख सकते हैं चारों तरफ
कितना सुंदर है ये इमामबाड़ा। यहाँ से भूलभुलैया स्टार्ट होती है और 45 सीट्स के ऊपर जाकर भूलभुलैया स्टार्ट हो जाएगी। तो जब यहाँ से आप 45 फीट यहाँ ऊपर चढ़ के जाएंगे तो उसके बाद भूलभुलैया स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम ऊपर जाके आपको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से दिखता है आपको मेन गेट, मेन रोड। सामने की तो छोटा गेट है, कैमरे में नहीं दिख पा रहा है, बट मेन रोड तक गया है ऊपर। भूलभुलैया में काफ़ी अंधेरा, तो अभी हम गाइड को फॉलो करते हुए जा रहे हैं आगे। पता नहीं रास्ते कैसे कैसे हैं, अकेले जाओगे तो सब गुम हो जाओगे। मेरे पीछे की तरफ जो टेरिस देख रहे हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी टेरिस है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पिलर, इसके नीचे कोई पिलर वगैरह नहीं है, सबको सारा वजन जो है वो दीवार के ऊपर है। तो लोग कहते हैं कि जो आज के आर्किटेक्चर है वो थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर गया है, वो बिल्कुल नहीं है। जो पहला जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था और वो जो चीज़ें बना सकता था, आज के लोग तो शायद नहीं बना सकते। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं रॉयल कैफ़े पर, जो मोती महल के पास में है और हजरतगंज वाली लाइन में ही है। तो ये आपको सामने मिलेगा हजरतगंज का मेट्रो स्टेशन, इसके जस्ट पास में ही आपको मिलेगी रॉयल कैफ़े। इसकी बासकी चाट बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अगर आपको बासकी चाट यहाँ खानी हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। लखनऊ आए तो ज़रूर ट्राई करें। मेरे साथ है मिथुन, जो आज व्लॉग में मेरा साथ दे रहे हैं, और मिथुन मेरे दोस्त हैं बहुत पुराने, और हम लोग आज ट्राई करेंगे बास्केट चाट। चलते हैं अभी अंदर की तरफ। भैया भाई योगी जी के लिए बास्केट बनाएंगे आज हम, ये लो बढ़िया बनाऊंगा, बहुत बढ़िया वेज है। योगी जी को दही बड़ा भी खिलाएंगे। वन बड़ा था आपने सर का नाम क्या है? मेरा नाम भैया, मेरे बाप ने हरदयाल मौर्या रखा था। हरदयाल मौर्या, हरदयाल हरदयाल, और उसके बाद लोगों ने छोटू रख दिया। अच्छा, और फिर अभी चाट किंग। तो आप, मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में देखा है पहले ही। हाँ, सब आते हैं आपसे, मतलब आपके पास जरूर आते हैं। हाँ, मेरे पास आते हैं। तो आपको, आप सर को आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, तो हम भी आज सर के पास आ गए हैं। बहुत ही अच्छी बासकी चाट बनाते हैं, और देखो दही बड़ा भी डाल दिया, और ये बासकी चाट हरे लपेट छोले भी डालेंगे ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। नहीं लीजिए, कितनी हैवी ये बास्केट चाट है। ये हाथ मोड़ा है, इसको खाने से पहले खाओगे तो भूख लगेगी, और खाने के बाद बास्केट हजम। अच्छा, थैंक यू सो मच। चम्मच है? हाँ जी, दो चम्मच। अच्छा, ये देखिए कितनी स्पेशल है बास्केट चाट, और सर ने बड़े दिल से बनाई है हमारे लिए। तुम वीडियो बनाते रह जाओगे, घटक जाएगी बास्केट। नहीं, मैं थोड़ा ही खाने वाला हूँ, भूख खा चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, भले बड़ा वीडियो के चक्कर में बास्केट खत्म। आइए आप भी ट्राई कीजिए। अरे आप भी अब देर खाते हैं। अच्छा बंधन दोस्तों को खिला देंगे, आप तुमको हम खिलाएंगे। बढ़िया है, गुड। ऐसे काटने का और टोकरी में खाने का, असल में हम खाते नहीं लेकिन हम खिला देते सबको। दोस्त आया अब इसकी माला, ये असली माल है, असली माल क्या है, ये लो खाओ, ऐस करो। थैंक यू सो मच। खाते पीते रहो, अभी तीसरी लहर आने वाली है, झेलना है, है? सही कहा था। क्यों है? पहली झेल गए, दूसरी झेल गए, तीसरी को झेलना, इसलिए खाते पीते रहो, तेज मसाले डालें दबा के, क्वालिटी बढ़ेगी। थैंक यू। अभी हम हैं रॉयल कैफ़े में, अभी हमने यहाँ से बास्केट चाट लोग खा रहे हैं, इतनी स्वादिष्ट है खाने में। सर ने जो भी बनाई है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई है, और
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, यमी है बहुत ज़्यादा। तो मैं आप रिकमेंड करूँगा कि आप आएँ तो रॉयल कैफ़े की बास्केट चाट ज़रूर खाएँ, बहुत ही अमेजिंग है। तो उतना ही रखते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस ब्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर चैनल्स पे आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें वीडियो को, एंड मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।